हमारे देश में एक नारा बड़ा ही प्रचलित है, जय जवान जय किसान। लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि कभी जवान और किसान देश में इस तरह से टकराएंगे कि देश में त्राही ले आएंगे। नमस्कार, मैं वैष्णव सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंद भारत की हमारी इस खास पेशकश में। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसान कानून और किसान आंदोलन इन दिनों सुर्खियों में सबसे आगे बने हुए हैं। जहां एक ओर देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है और जिससे देश में दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है, वहीं आपको बता दें बीते कुछ दिनों पहले यानी कि 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों का गुट या यूं कहें कि किसानों का जो समूह था, लाल किले पर जिस तरह से धर्म का झंडा लहराया गया, वो आम नागरिकों को कतई पसंद नहीं आया। जो सांत्वना किसानों को आम आदमी द्वारा दी जा रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं आक्रोश में तब्दील होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें आज दोपहर सिंगू बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बता दें आम नागरिकों, स्थानीय लोगों और साथ ही साथ किसानों के बीच पत्थरबाजी देखने को मिली और जिससे कई लोग घायल हुए हैं। सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि तलवारबाजी भी देखने को मिली है, इससे कई लोग घायल भी हुए जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसमें आपको बता दें कि सिर्फ सिंगू बॉर्डर ही नहीं बल्कि कल गाजीपुर बॉर्डर में भी कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था और आज इसी तरह सिंगू बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ सिंगू बॉर्डर ही नहीं बल्कि टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरह की पत्थरबाजी जारी है। इस सबके बीच आपको बता दें कि एक बड़ा ऐलान किसान आंदोलन या फिर यूं कहें कि किसानों के समूह की ओर से जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में आज इसको लेकर महापंचायत की जाने वाली है। इस महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है या फिर क्या बयानबाजी दी जाती है वो तो खैर हमारी इस रिपोर्ट में ही पता लगेगा, लेकिन इन सबको देखने के लिए या जिस तरह की जो इमेज सामने आ रही है कि किस तरह से किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिसकर्मी किस तरह उन पर आंसू गोले छोड़कर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सिंगू बॉर्डर पर बवाल के दौरान अलीपुर थाने में तैनात SHO पर प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला किया है। इसमें उनके हाथ पर तलवार लगी है जिससे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यही वजह है कि किसानों द्वारा रास्तों को रोककर प्रदर्शन करने के विरोध में अब स्थानीय लोग भी आ गए हैं। शुक्रवार दोपहर सिंगू बॉर्डर पर कई गांवों के किसानों ने प्रदर्शन कर मांग की कि किसान यहां से जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के इस तरह से 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन करने के चलते न केवल कारोबार प्रभावित हुआ बल्कि सैकड़ों लोग बेरोजगार तक हो चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का नेतृत्व कर दिल्ली देहात विकास मंच के महासचिव अनुप सिंह मान ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले में उपद्रव कर देश की गरिमा को धूमिल करने वाले ऐसे लोगों ने पिछले 2 माह से सिंगू बॉर्डर को बंद कर रखा है। ऐसे में आवागमन ठप्प होने से दिल्ली देहात बंधक बना हुआ है। ग्रामीणों को रोजाना अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं, लोग रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा पा रही हैं। अगर लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों को मीलों मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस की घटना के बाद गांव के लोगों के मन में आक्रोश देखा जा रहा है। देहात के लोग बिना किसी गलती के मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। यही कारण है कि अब ग्रामीण सिंगू बॉर्डर को खाली कराने की मांग को लेकर संकल्पित हो चुके हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बताते चले कि गाजीपुर के साथ साथ अब टिकरी बॉर्डर भी इसमें शामिल हो गया है। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर भी अपना आंदोलन जारी कर वहां पर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए लोगों से उनकी झड़प साफ साफ देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर इन सारी स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि किसानों को लेकर जो आम नागरिकों द्वारा उन्हें संवेदना सांत्वना दी जा रही थी, कहीं ना कहीं अब वो पूरी तरीके से आक्रोश में तब्दील हो गई, और वो भी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी पर जिस तरीके से किसानों ने धर्म का झंडा लहराया था, ये आम नागरिकों को या ये कहीं कि देश के पूरे लोगों को ये कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही नारा था कि देश में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है सिर्फ तिरंगा, जो कि बिल्कुल धर्म निरपेक्ष है। इन सबसे ये साफ होता है कि आखिर किसानों का जो अब ये रवैया है, जो उग्रता वो अपनाते चले जा रहे हैं, वो कतई आम नागरिकों को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर किसान अब शांत होते हैं, उनका जो रवैया है वो कहीं थमने का नाम लेता है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार अब आम नागरिक भी उनको बॉर्डर से हटाने की
साफ साफ आवाज उठा रहे हैं और इस तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो जरूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में।